दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आज हमारा ये 11वां सेट है। दोस्तों, ये सेट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको अंत तक देखिएगा। कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, देखिए आज हमारा है 14 सितंबर और प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। एक प्रश्न और याद रखिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाई जाती है। दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चार कथन दिए हुए हैं, पहचानना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला दिया है अनुच्छेद 24 का संबंध है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये जो है बिल्कुल सही, यानी कि 24 में जो है बाल श्रम का निषेध दिया गया है, करेक्ट है। अनुच्छेद 13 में जो है अस्पृश्यता का अंत दिया गया, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण किया गया, ये भी सही है। अनुच्छेद जो हमारा 110 है, ये राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये देखिए गलत हो जाएगा, इसका मिलान जो है हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 110 में क्या है, तो देखिए याद रखिए अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और वहीं बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होती है। तो आपको यहाँ से चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। देखिए, पहले मतदाताओं की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन यह बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो किस संशोधन द्वारा यह 18 वर्ष किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन, 1989 में हुआ था। इसी के तहत मतदाताओं की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा है जो राइट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करें, देखिए जो हमारा 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार था, इसे मूल अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300A में जो है इसको स्थान दे दिया गया। तो ये हमारा 44वां हो गया। बात करें कि 73वें में क्या हुआ था, तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, और इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है पंचायती राज संबंधित संशोधन था, और 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो जो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो स्थापना का सुझाव था वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। किसने दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो सरकारी आयोग है इसका संबंध किससे था, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सरकारी जो आयोग था इसका संबंध था केंद्र राज्य संबंध से, किससे, केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। चौथा प्रश्न हमारा है लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। सही आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें प्रश्न का, देखिए चौथे प्रश्न का, 5 वर्ष कार्यकाल होता है या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए वो जो हो जाएगा। बात करिए हमारे देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, पिनाकी चंद्र घोष जो है हमारे देश के पहले लोकपाल हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, मुद्रास्फीति करण क्या होता है। देखिए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है, तो ये क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो मुद्रास्फीति होती है, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। समझना क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो अगर पहले आपको 5 रुपये में मिलती थी, तो मुद्रास्फीति के बाद जो अगर चीज़ आपको 10 रुपये में मिलने लग रही, इसका मतलब क्या हुआ है, मुद्रा का स्तर गिर गया है। पहले कोई भी चीज़ आपको 5 रुपये मिलती थी, अब वही चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है नीचे गिर गया है। तो दोनों सही हो जाएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। ए और बी जो है हमारा यहाँ पर दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिएगा, मृदा यानी कि जो मिट्टी है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो मृदा होता है यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा।
सातवां प्रश्न देखिए, झीलों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्रोलॉजी। क्या कहते हैं? निम्रोलॉजी। देखिए ये निम्रोलॉजी है, एक होता है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी मतलब क्या होता है? अंकों का अध्ययन, जो अंक का हम अध्ययन करते हैं उसे न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। ये क्या है? निम्रोलॉजी, इसे हम कहते हैं झीलों का अध्ययन। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद, किसे? नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, घनानंद को पराजित करने के बाद। नवा प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में है, का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम वी सुताहर। इन्होंने जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो है डिज़ाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। दसवां प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 2022 तक। भारत सरकार ने 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो है रखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे 11वां प्रश्न, लावड़ी जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो लावड़ी जो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात का गरबा क्या है? गुजरात में गरबा और डांडिया जो है यहाँ का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया गुजरात का हो जाएगा। राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान में हमारा क्या हो जाएगा? घूमर, जो घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का है। इसके अलावा भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ का है? तो भांगड़ा और गिद्दा जो हो जाएगा हमारा, भांगड़ा और गिद्दा ये हो जाएगा पंजाब का, ये आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है? तो देखिए किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, रबी की फसल। जो रबी की फसल होती है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि किलो वाट घंटा एक यूनिट है किसका? किलो वाट घंटा किसकी यूनिट होती है? 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किलो वाट घंटा जो हमारा होता है ये होता है ऊर्जा का मात्रक। क्या होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो डी है राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए तीन कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि तीनों में से सत्य कथन कौन सा है। पहला दिया हुआ कि ऋग्वैदिक काल के छठवें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, बिल्कुल गलत है। देखिए जो दशराग्य युद्ध का उल्लेख है वह ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। किसमें? दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के सातवें मंडल में, छठे मंडल में नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में ये वर्णित है। तीसरा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दो और तीन जो है हमारा यहाँ पर राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन दो और तीन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जो दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो पहली बात जान लीजिए कि दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना था। क्या था? मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवा महिलाओं के लिए जो है सहायता प्रदान करना दीवाने खैरात का जो है उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता की जाँच के लिए कौन से एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़र एयर। किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? सफ़र एयर। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, आंतरिक अशांति स्थान शब्द के स्थान पर
सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? तो देखिए, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था, इसका जो संशोधन किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन में कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है संविधान में जो है उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दो अप्सा एवं सिंह अप्सा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का? सी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने जो है दो अप्सा और सिंह अप्सा नामक व्यवस्था की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो जहांगीर था वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको याद रखना है, जहांगीर जो है न्याय के लिए प्रसिद्ध था और इसने जो है अपने दरबार में एक न्याय की जंजीर बंधवाई थी। क्या बनवाई थी? न्याय की जंजीर। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि जो न्याय की जंजीर थी वो किसके दरबार में थी, तो ये जहांगीर के दरबार में थी। 19वां प्रश्न है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो 1611 में जो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वह मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? तो अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच कौन सी संधि के बाद आंग्ल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सुगौली की संधि के बाद जो है अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच जो युद्ध था वो आंग्ल नेपाल युद्ध था वो समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, कर्नाटक स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात यहाँ से याद रखनी है, कर्नाटक जो है भारत में जो सोने की जो खाने हैं अधिक मात्रा में कहाँ पर है? कर्नाटक जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोने की जो खान है सर्वाधिक मात्रा में है, तो कर्नाटक का नाम इसके लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा मिलान गलत है? देखिए, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही है, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है जम्मू कश्मीर में, ये गलत है। नाथुला जो है जम्मू कश्मीर में ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो 2019 था, इससे जो है चंडी प्रसाद भट्ट को जो है सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट जो है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस जो पुस्तक है इसकी लेखिका है ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। कौन? ग्रेटा थुनबर्ग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26वां प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो देखिए, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के बाद 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया। किसमें? गरम दल और नरम दल में बट गया। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, गरम दल की बात करें तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। और नरम दल की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये सभी नरम दल के नेता थे। बाद में 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, तो इसमें जो है कांग्रेस का एकीकरण हो गया, यानी कि नरम दल और गरम दल जो है दोबारा जो है 1916 में मिल गए थे। 27वां प्रश्न है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया किसके आधार पर? तो भारत में गरीबी को जो है कैलोरी के आधार पर परिभाषित किया गया, यानी किसी व्यक्ति को एक जो है कितने कैलोरी भोजन नहीं मिलता है तो उसे गरीब माना जाएगा, यानी कैलोरी के आधार पर जो है भारत में गरीबी का निर्धारण किया गया है। 28वां प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा? तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था,
इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। देखिए जो मूल अधिकार है ये हमारे मौलिक संविधान में था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो मौलिक अधिकार है भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो था ये पहले से ही था हमारे संविधान में। नीति निर्देशक तत्व तो भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में पहले ही दिया हुआ था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था इसके तहत भाग चार ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग चार ए और अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया, 4A 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य जो है रखे गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 29वां प्रश्न है कि वर्ष 2020 में एमसी मैरी कॉम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 में जो है एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? 29वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मैरी कॉम को। 30वां प्रश्न है भारत का प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो थी उनका नाम है वी एस रामा देवी। क्या नाम है? वी एस रामा देवी। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी इस प्रश्न का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे हमारे देश के? तो सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन जो थे हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। बात करके चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि वोटर डे भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो है यह वसा पर क्रिया करता है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज जो विषय है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची में से जो हमारे 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां लिखी हुई हैं। कौन सी? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य होता है, और समवर्ती सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, लेकिन वर्गीयता जो है केंद्र को दी जाती है। तो जो हमारा पंचायती राज है यह राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य का होगा। पंचायती राज जो है हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, तो यह आपको याद रखना है। 33वां प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं के कर्तव्य को परिभाषित करता है, निर्धारित करता है? तो CAG के कर्तव्य को जो निर्धारित करता है वह अनुच्छेद 149 निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 149। देखिए जो अनुच्छेद 148 होता है इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है, और 149 में जो है CAG के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और बात करें कि हमारे वर्तमान में CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, ये जो है हमारे देश के CAG बन गए। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। 34वां प्रश्न है अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर किसका निर्माण करता है? तो जो अमीनो अम्ल है ये पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का निर्माण करता है। 35वां प्रश्न है मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जो मैलिक अम्ल होता है यह निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेव में जो है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिएगा 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पहले कथन सही है, भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो देखिए जो अजंता की चित्रकारी का संबंध है यह गुप्त काल से, किससे है? अजंता की चित्रकारी का जो संबंध है किससे है? गुप्त काल से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजंता की चित्रकारी जो उसका संबंध है गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिएगा, किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो किस न्यायमूर्ति को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। किसे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को जो है भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं,
इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक का जो कार्यकाल होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 315 से लेकर जो है 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वर्णन किया गया है, और 324 में जो है हमारा चुनाव आयोग रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर की। तो सबसे छोटी जो कोशिका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो होता है यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किए हैं। 40 प्रश्न में से अगर आपने 35 से अधिक प्रश्न सही किए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात आपसे और है कि आप मैथ और रीजनिंग की जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ रीजनिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर मैथ रीजनिंग जो है आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं मैथ रीजनिंग जरूर पढ़ते रहिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।